एजुकेशन शिक्षा दीक्षा कैसी रही? हुई है, मैंने लॉ किया है, लॉ ऑनर्स किया है मैंने, और साथ ही साथ फिर मेरी शादी भी हो गई और मुझे भी अच्छा लगता था। आपने लॉ की पढ़ाई की जी। पति पॉलिटिकल टच या सोशल एक्टिविस्ट जी। तो जब यहाँ पर आई तो ये खुद तय कर लिया कि आप पति के साथ दो कदम चलेंगी, क्योंकि या फिर दूसरा विकल्प भी था आपके पास, आप लॉ वकील भी बन सकती थी। मैंने भी डॉक्टर्स बनने का सपना देखा था, मैं कई हद तक मैंने मेहनत की लेकिन मैं उसमें असफल रही। और फिर जब मैं यहाँ आई तो मैंने जब सबको समाज सेवा में देखा, मैंने अपने पति देव को बहुत ज़्यादा देखा कि वो बहुत लोगों की मदद करते हैं, तो घर से ही मैंने उनका साथ देना शुरू किया। नगरपालिका अध्यक्ष का टिकट आपको मिला, आप नगरपालिका अध्यक्ष बनी ही, पहली बार नगरपालिका अध्यक्ष बनी, तो ऐसा कभी सोचा था कि एकदम से समाज सेवा से सीधे एक प्रथम महिला पूरे, और वो भी जिला मुख्यालय छतरपुर की? मैं पहली बार नगरपालिका अध्यक्ष बनी और फिर मैंने ठाना कि अगर मुझे लोगों ने प्यार दिया है, स्नेह दिया है, वोट दे के जिताया तो करना है तो बहुत, मतलब कुछ नहीं करना है, बहुत कुछ करना है। बहू बनकर आई थी जी, और सबके दायित्व निभाए। मैं निश्चित यहाँ बहू बन के आई थी, लेकिन मैं आज अपने आप को बहू नहीं मानती। हस्बैंड मुझसे लड़ते हैं कि तुम तो बिटिया बन गई और लोगों ने मुझे दामाद बना लिया। साल नगर पाल का अध्यक्ष का दायित्व आपने निभाया, 10 साल में क्या ऐसी 5 उपलब्धियां रही जो आप मानती हैं कि हमने एक बहू के नाते, बेटी के नाते या एक प्रथम महिला के नाते छतरपुर को? मैं गलियों गलियों जाती थी कि क्या प्रॉब्लम है क्या। तो जब मुझे महिलाएं दिखती थी तो मुझे कष्ट होता था, मुझे दुख होता था। हमारे शिवराज भाई साहब से मुलाकात की, हमारे सांसद जी वीरेंद्र भाई साहब उस समय थे, मैंने उनसे मुलाकात करी और अपना जो शहर था उसको मैंने अमृत परियोजना के अंदर इसको करवाया, और ये एक बड़ा अचीवमेंट था। नगरपालिका अध्यक्ष के बतौर क्या ऐसी कुछ ऐसी कमियां रह जाती ना कि अगर थोड़ा समय और मिल जाता तो छतरपुर के लिए ये भी किया जा सकता था? अभी मुझे बहुत काम करना है। विधानसभा का चुनाव हारी तो मैं इसलिए दुखी नहीं हुई कि मैं हार गई, कि मेरे ऊपर एक तमगा लग गया कि हारी। मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं जिस रफ्तार से मैं छतरपुर को आगे ले जा रही थी, और 10 सालों में मैंने छतरपुर को क्या 10 नए पार्क, तालाबों का संरक्षण, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, अभी चिल्ड्रेन पार्क और पता नहीं क्या, महिलाओं के लिए विशेष पार्क, महिलाओं के लिए एक अलग हॉल, ये सारी चीज़ें अभी मुझे और बनाना था, मुझे और करना था, इनमें ब्रेक लग गया। छतरपुर में क्या वास्तव में कांग्रेस के शासन में विकास हुआ, या जो विधायक हैं उन्होंने क्या विकास कार्य किए, इनका खाका भी कभी रखेंगी आप एक अपोजिशन? मुझे बड़ा अफसोस है कहने में कि उन्होंने ये 4 साल लगभग निकल गए हैं, आखिरी साल उनका बचा हुआ है, और उन्होंने, उनकी कोई भी ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसको ये कहा जाए कि हाँ ये विधायक जी की देन है।